पुण्य कर्म और भगवत कृपा से मिले मानव जीवन को अगर सफल बनाना है तो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर हमें प्रभु श्री कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति करनी होगी। यही एक रास्ता है जो हम सबको इस सांसारिक भवसागर से पार कर मोक्ष का मार्ग दिला सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रही श्रीमद् भगवत गीता में वृंदावन से आए आचार्य आशीष चंद्र शास्त्री ने निश्चल प्रेम का ज्ञान कराया। पिछले 6 दिनों से लखनऊ के गणेशगंज स्थित प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में चल रही कथा में सैकड़ों लोग भक्ति रस में डूब गए। आपको बता दें, लखनऊ के गणेशगंज में स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर में ये 90वां वार्षिक उत्सव है जब भक्तों को भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुरेंद्र पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इस पौराणिक स्थल पर चल रही भगवद गीता में हमें सबके मंगल की कामना करते हैं और प्रार्थना है कि जल्दी ही भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान अयोध्या में बने। स्थान आयोजन के 90 वर्ष हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है कि यहाँ पर भारतवर्ष के जितने भी शंकराचार्य पीठाधीश्वर चारों पीठ के शंकराचार्य दंडी स्वामी संत परमहंस अनेकानेक 90 वर्षों से यहाँ पर विराजमान उपस्थित होते आए और सदैव उनका आशीर्वाद इस मंच को और लखनऊ वासियों को। और यह अपने आप में आयोजन ही नहीं बल्कि लखनऊ की एक अमूल्य धरोहर के रूप में है।